तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला एक वॉलेट की, जो कि देखो कुछ इस तरीके के पैकेज में आया है। तो चलिए इसे खोलते हैं और निकालते हैं। तो ये देख सकते हो अपने वॉलेट का बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जो आता है पीटर इंग्लैंड की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे देखते हो इसकी MRP जो है 1299 रुपये दी गई है। और यहाँ पे इसका जो है साइज़ वगैरह सारा चेक कर सकते हो। तो चलिए इसे खोलते हैं और निकालते हैं अपने वॉलेट को और देखते हैं कैसा है हमारा वॉलेट। तो ये देख सकते हो अपना वॉलेट, यहाँ पे जो है देख सकते हो इसका जो है प्राइस टैग वगैरह दिया गया है, जो कि ऊपर भी था। और अगर अंदर चेक करोगे तो यहाँ कोई वारंटी वगैरह जो है इस पर मेंशन नहीं किया गया है। अगर इसके अंदर मैं कंपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ जो है 8 कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं कार्ड रखने के लिए। RFID प्रोटेक्शन यहाँ पे जो है दिया गया है, जेन्युइन लेदर लिखा गया है और पीटर इंग्लैंड की जो है ब्रांडिंग की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अगर इसकी स्टिचिंग देखोगे आप चारों साइड, तो बहुत ही अच्छी स्टिचिंग की गई है। और मैं यहाँ पे अगर कैश के लिए कंपार्टमेंट आपको दिखाऊं तो 2 जो है कैश के लिए कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कॉइन रखने के लिए इसमें कोई भी जो है कंपार्टमेंट वगैरह नहीं दिया गया है। और ये वॉलेट जो है उनके लिए है जो कार्ड वगैरह जो है ज़्यादा कैरी करते हैं, कैश जो है कम कैरी करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि 8 कंपार्टमेंट इसमें दिए गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो बहुत सारा कार्ड जो आप कैरी कर सकते हो और कैश वगैरह भी कैरी कर सकते हो, बस इसमें कॉइन कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी इससे पहले भी मैंने जो है एक हॉल वीडियो वॉलेट के ऊपर बना रखी है, जिसमें कि मैंने जो है 300 से लेके 1700 तक की वॉलेट कवर करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और उनमें से एक वॉलेट तो आपको जरूर पसंद आएगा। बाकी आपको ये वॉलेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली मुझे अंडर 500 ये काफ़ी अच्छा वॉलेट लगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और लाइट वेट है और लेदर की क्वालिटी भी काफ़ी जेन्युइन है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बाकी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।